हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि इस लॉकडाउन में और इस परेशानी के वक्त में आप सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे से हों, और आगे भी यही उम्मीद करूँगी कि बहुत अच्छे से रहें। अभी सभी घर में है तो कुछ ना कुछ नया खाने को मन करता है, और जिससे कि टाइम पास हो सके, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ मसाला पीनट रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कप पीनट यानी मूंगफली, और उसमें डाल देंगे इस तरीके से पानी, पूरा भिगो देंगे इसको। और उसके बाद हम इसको एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे ताकि जो इसका एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। और अब हम एक लेंगे थाली और मूंगफली को उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, और उसके बाद डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 लाइम जूस, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जिस कप से मैंने मूंगफली को मेजर किया है वो मेरा 250 ml का है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून जाएगा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये कलर के लिए है, 1 टीस्पून जाएगा चाट मसाला। और अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, बहुत अच्छे से पूरे मसाले हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर, और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे बेसन। और अब इसको हल्के हाथ से हम इसमें मिक्स कर देंगे, कोट कर देंगे पूरा ये मसाला जो हमने लिया है अच्छे से, जो हमारा पीनट है इसको कोट कर लेंगे पूरे मसाले में। तो इस तरीके से हम ये पूरा कोटिंग कर लेंगे इसकी। तो पीनट पर मसाला अच्छे से कोट हो गया, देख सकते हैं आप। तो अब हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। अब कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, और अब हम डाल देंगे ये पीनट जो हमने तैयार करके रखे हैं, और इनको हल्के हाथ से चला देंगे इस तरीके से। और अब इनको फ्राई करेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए। तो अब ये पीनट हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। और अब बाकी के बचे हुए पीनट्स हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे सभी। तो इस तरीके से इनको निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। तो इस तरीके से हाथ से उठा के हम इनको मिक्स कर देंगे हल्के हाथ से। तो ये मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं हमारे। तो लीजिए, क्रिस्पी मसाला पीनट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।